गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स, द ऑथेंटिक टेस्ट इन टाउन, जहां आप दम पुख्त कुक अखा बकरा, रान शोल्डर, फूड कुक अंडरग्राउंड फॉर 5 आवर्स, सी फूड, स्पेशल फ्रेंच एंड अरेबिक डेजर्ट, इंडियन स्वीट के साथ मॉकटेल एंड बेवरेजेस का लुत्फ उठा सकते हैं। गजीबो अब न्यू मैनेजमेंट के साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है, विद प्लेजेंट एम्बियंस, वाइड रूम स्पेस विद 2 दस्तरखान, सिटिंग कैपेसिटी 8 to 18, इवेंट एंड पार्टी स्पेस सिटिंग कैपेसिटी 120+, पार्किंग अवेलेबल। द ऑथेंटिक मुगलाई टर्किश अरेबिक टेस्ट इन टाउन, गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स। आज ही आए, हम आपका खैर मकदम करते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। चलती ट्रेन में रेलवे की महिला होमगार्ड के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला डिब्बे में चढ़ा था और महिला होमगार्ड के टोकने पर आरोपी ने महिला होमगार्ड की जमकर पिटाई कर दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कल्याण में रेलवे पुलिस की महिला होमगार्ड ने एक युवक को लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में चढ़ने से रोका तो उस युवक ने महिला होमगार्ड पर हमला कर दिया और फरार हो गया। लेकिन रेलवे पुलिस की इंचार्ज अर्चना दुसाने और उनकी टीम ने मात्र 24 घंटे के गहन जांच के बाद आरोपी को हवालात पहुंचा दिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम मारुति आत्राम, जो मूल रूप से सतारा का रहने वाला बताया जा रहा है। कल्याण रेलवे पुलिस की इंचार्ज अर्चना दुसाने ने बताया कि 26 अक्टूबर की शाम वाशिंद और आसनगांव रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे पुलिस की महिला होमगार्ड पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जा रही थी। वाशिंद रेलवे स्टेशन पर आरोपी लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में चढ़ा। महिला होमगार्ड ने आरोपी को महिला डिब्बे से उतर जाने के लिए कहा, लेकिन आरोपी ने होमगार्ड की बात नहीं मानी और टोकने पर महिला होमगार्ड पर हमला कर दिया। इसके बाद आसन गांव रेलवे स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन रुकने से पहले ही उतरकर वो फरार हो गया। इस मामले में रेलवे पुलिस ने कड़ी जांच कर आरोपी मारुति आत्राम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी अर्चना दुसाने ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई है। कल्याण रेलवे पोलीस ठाण्यातील लोकल गाड्यांवर पेट्रोलिंग करणारी होमगार्ड या ड्युटीसाठी जात असताना कसारा लोकलमध्ये साधारणतः वाशिंद ते आसनगाव या दरम्यान महिलांच्या राखीव जनरल डब्यामध्ये एक इसम चढला, पुरुष इसम चढला, त्यास सदर महिलेने हटकले असता आरोपीने त्यांना उतरण्यास नकार दिला व त्यांच्यावर मारहाण करून हमला केला। आणि नंतर जेव्हा आसनगाव स्टेशन आलं त्यावेळी चालू गाडी सोडून आरोपी इसम पळून गेला। सदर महिलेची कर्मचारी महिलेची तक्रारी घेऊन आम्ही गुन्हा दाखल केला आणि 24 तासाच्या आत आरोपीला अटक केलेली। तपास आयपीसी 353 पर्यंत अन्वय गुन्हा दाखल केला। आरोपीचं नाव मारुती आत्राम असं असून तो सातारा इथला राहणार आहे। तपास चालू आहे त्याबाबत आमच्या।